नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। जब से ट्विटर को एलन मस्क ने टेक ओवर किया है, तब से ट्विटर में लगातार कोई ना कोई चेंज हो रहा है। आज से ट्विटर अपने यूजर्स के लिए फिर से ब्लू सब्सक्रिप्शन पैकेज लॉन्च कर रहा है। इसके बाद यूजर पैसे देकर ब्लू टिक हासिल कर सकेगा। इसके अलावा भी ट्विटर में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे यूजर्स को इसका फायदा मिलेगा। कंपनी ने घोषणा की है कि सोमवार 12 दिसंबर से ट्विटर ब्लू के रीलॉन्च होने के बाद ब्लू टिक हासिल करने, कंटेंट एडिट करने की सुविधा मिल पाएगी। हालांकि ये सर्विस एप्पल आईओएस यूजर्स के लिए महंगी होगी। इसके लिए आईओएस यूजर्स को हर महीने फीस के तौर पर $11 देने होंगे, जबकि ये सर्विस वेब पर $8 प्रति माह है। ट्विटर अब यूजर्स के अकाउंट की समीक्षा और अच्छे से करेगा। सिर्फ वेरीफाइड फोन नंबर वाले यूजर्स को ही अब सर्विस का फायदा मिल पाएगा। इसके लिए ट्विटर कर्मचारी अकाउंट्स की समीक्षा करेंगे। दरअसल कंपनी का कहना है कि किसी भी तरह के फर्जीवाड़े, यानी कि जो कि ट्विटर के नियमों के खिलाफ है, उससे निपटने के लिए अब ये नए कदम उठाए जा रहे हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन के बाद ही यूजर्स को ब्लू टिक दिया जाएगा। साथ ही यूजर्स ट्वीट करने के बाद कंटेंट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके लिए 30 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि अगर आप अपने कंटेंट में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो 30 मिनट के अंदर ही आपको एडिट करना होगा। इसके अलावा 1080p वीडियो भी अपलोड किया जा सकेगा। अब से आप लंबे ट्वीट भी कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के ट्वीट को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें समान यूजर्स की तुलना में 50% कम विज्ञापन देखने को मिलेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई भी यूजर अपना नाम या प्रोफाइल फोटो बदलता है तो उसका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। हालांकि वेरिफिकेशन के बाद इसे दोबारा हासिल किया जा सकेगा। कहा जा रहा है कि कंपनी ने यूजर्स पर सख्ती बरतने के लिए जो किसी भी विशेष कैंपेन या फिर विरोध के चलते प्रोफाइल फोटो या फिर नाम बदल लेते हैं, इसे लॉन्च किया गया है। एलन मस्क लगातार ट्विटर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसी के तहत $8 में ब्लू सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसकी वजह से कई फर्जी अकाउंट्स भी लोगों ने खोल दिए थे, जिसकी वजह से कई कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और इसी के बाद ब्लू सब्सक्रिप्शन फीचर को रोका गया था। अब इसे फिर से नए तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।